ओके, तो ये डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड, और दो स्टेटमेंट है, एक एक कर स्टेटमेंट को चेक करते हैं। लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी, ठीक है, और छह लेक्चर है ए बी सी डी ई एफ, और हर एक लेक्चर एक एक घंटे का है, और शेड्यूल है 8 AM से 2 AM के, 2 PM के बीच में, मतलब 6 घंटे का लेक्चर है टोटल, और डिफरेंट लेक्चर है, 6 लेक्चर है, 6 घंटे का है, मतलब एक एक घंटे का है। ओके, तो दो स्टेटमेंट है, लेक्चर एफ इज प्रेसिडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन से अगर देखें तो थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा, जैसा कि सवाल पूछ रहा है कि विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड, तो ए बी सी, मेरे पास ए सी हो गया, बी नहीं है, मुझे बी के बारे में नहीं पता है, टी के बारे में नहीं पता है, ई के बारे में नहीं पता है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से तो पता नहीं कर सकता। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, मतलब बी लास्ट में होगा। चलो, इस केस में मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट से, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से भी थर्ड लेक्चर का नहीं पता चलेगा, दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या अभी तक नहीं पता चला है, डी का पोजिशन नहीं पता चला है, ई का पोजिशन नहीं पता चला है, और ए एफ सी का भी पोजिशन नहीं पता चला है, ठीक है। तो हो सकता है कि तीन केस बन रहा हो इस तरह से, कि ए एफ सी शुरू में आ जाए और ये इस तरह से हो जाए, मतलब डी ई का कोई पोजिशन यहां बने। ओके, फिर भी तो इस केस में तो सी थर्ड लेक्चर पे आ जाता है, थर्ड पीरियड में सी हो जाता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ए एफ सी कुछ इस तरह बने और बी लास्ट में, चूंकि बी का पोजिशन फिक्स है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए एफ सी और फिर बी, या थर्ड में आता है ए फिर दूसरे केस में थर्ड में आ जाएगा एफ, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि थर्ड पीरियड में कौन सा आएगा, क्योंकि मेरे पास डी ई का पोजिशन नहीं पता है, और इवन मेरे पास ए एफ सी का भी पोजिशन नहीं पता है पांचों के रिगार्डिंग। ओके, ये पता है कि एफ के पहले आएगा ए, बाद आएगा सी, और लास्ट में आएगा बी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन से भी नहीं पता चल रहा है, स्टेटमेंट टू से, और कंबाइनिंग दोनों स्टेटमेंट से भी नहीं पता चल रहा है। ओके, दैट्स इट।